दोस्तों, वैसे तो बैटरी और सेल बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन आज उन सेल में से इन ड्राई सेल के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इस टाइप के सेल में जो केमिकल भरी जाती है वह ड्राई फॉर्म में होती है, जिसके कारण इसे ड्राई सेल कहा जाता है। और ये ड्राई सेल में भी प्राइमरी ड्राई सेल है। प्राइमरी सेल मीन्स कि हम लोग इसे डिस्चार्ज होने पर फिर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग इन सारे सेल को बाहर और अंदर से जानने वाले हैं और इनके वर्किंग को भी समझेंगे। तो लेट्स डू इट क्रॉस क्रॉस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास चार साइजेस की सेल हैं, जिसमें ये बड़ी वाली साइज की जो आमतौर पे रेडियो और बड़ी टॉर्च में यूज की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 1.5 वोल्ट की आती है। ये दूसरी, जिसे डबल ए साइज की सेल बोलते हैं, ये यूजुअली वॉल क्लॉक बच्चों के टॉयज में यूज की जाती है। ये तीसरी, जिसे ट्रिपल ए साइज की सेल बोलते हैं, जो खासकर रिमोट में यूज की जाती है। और ये लास्ट, मर्क्यूरी सेल, सेम इसी साइज में एक सिल्वर ऑक्साइड सेल भी आती है, जो रिस्ट वॉच और छोटे मोटे डिजिटल इक्विपमेंट में यूज की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बड़ी वाली सेल की बात करते हैं, और इस साइज की सेल को डी साइज की सेल कहते हैं। तो चलिए इसे कट करके देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, इसकी ऊपरी लेयर में कागज का यूज किया गया है और प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर लपेटे हुए पेपर को हटाने पर हमें अंदर केमिकल से बना हुआ एक सिलेंडर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर इस कैप को हटाकर देखते हैं क्या इसके अंदर क्या होता है। तो इसकी कैप हटाने पे आप अंदर देख सकते हो कि ये ब्लैक कलर का चारकोल का पेस्ट डाला हुआ होता है, जिसके कारण इसके अंदर भरा केमिकल सेपरेट रहता है और बाहर की नमी अंदर नहीं जा पाती है। और ऊपर में इसका पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि कार्बन रॉड है, वो आप देख सकते हो। चलिए इसे कट करके इसके अंदर अच्छे से देखते हैं किस किस केमिकल का यूज किया गया है और वो कैसा दिखता है। दोस्तों, इस सेल में दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है, जिसमें ये ऊपर आप व्हाइट कलर का जो देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, और अंदर जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें कि व्हाइट वाला कैथोड का काम करता है और ब्लैक वाला एनोड का। और नीचे की तरफ देखें तो आप देख सकते हो, ये जिंक का प्लेट इसमें लगा हुआ है, जो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, जो कैथोड से जुड़ा हुआ होता है। और अंदर की तरफ आप देख सकते हो, इसमें सेपरेटर दिया हुआ है जो कूड का है। ये कैथोड को एनोड से अलग करने का काम करता है। अगर ये नहीं रहे तो सेल अंदर ही अंदर डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं आपको इसे निकाल कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, यही इसका सेपरेटर और कुछ सेल में भी लगा हुआ है। तो चलिए इसे अच्छे से तोड़कर देखते हैं कि अंदर किस तरह का केमिकल होता है और इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों, ये है इसके अंदर ग्रेफाइट का कार्बन रॉड। तो दोस्तों, चलिए इसी तरह अब इस डबल ए साइज की सेल को ओपन करके देखते हैं। डबल ए साइज की और ट्रिपल ए साइज की सेल की बनावट एक ही तरह की होती है। तो मैं इस डबल ए साइज की सेल को ओपन कर रहा हूँ। इसके ऊपर प्लास्टिक की रेपर लगी हुई है और अंदर जिंक का कंटेनर है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो फटाफट इस जिंक के कंटेनर को काटते हैं और अंदर देखते हैं कि इसमें किस तरह का केमिकल होता है। तो दोस्तों, इसमें बाहर में जो जिंक का कंटेनर है वो कैथोड का काम करता है, और अंदर बड़ा केमिकल वो एनोड का काम करता है। तो अंदर आप देख सकते हो, बीच में कागज का सेपरेटर लगा हुआ है, क्योंकि ये आपस में अंदर ही अंदर रिएक्शन ना करे।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर भरा केमिकल कुछ इस तरह का दिखता है और इसके अंदर वो कार्बन रॉड। चलिए अब इस मर्क्यूरी सेल के अंदर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। मैं इसे खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।